जय श्री राम मित्रों। मित्रों आप सब कैसे हैं? मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब स्वस्थ और सुखद होंगे। मित्रों मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वह रामचरितमानस के बड़ा ही मनोरम और सुंदर प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, इसका वर्णन भी है कि कागभुसुंडी जी गरुण जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं और कागभुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, यह प्रसंग उस समय का है जब श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस अयोध्या आ रहे थे तो वहां पर सब लोग प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आतुर थे और प्रभु श्री राम के आने पर सब लोग उनका फूलों से स्वागत किए और उनका आदर सत्कार किए। हे गरुण जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से परिपूर्ण हो गया और उन्होंने यह स्तुति सुनाने लगे। यह स्तुति श्री रामचरितमानस के में वर्णन है, यह छंद है। आप लोग ध्यान से श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करें, आप सब पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस स्तुति को, इस छंद को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना, निश्चय रूप से आपको फल प्राप्त होगा। आइए हम स्तुति शुरू करते हैं। जय राम रमा रमनम समानम भवताप भया कुल पाही जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाही प्रभो। रजा राम 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 रजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 दस शीश विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महा मही भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। रजा राम 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 रजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 महिमंडल मंडन चारुतरम घृत सायक चापनि संग बरम मद मोह महा ममता रजनी तम पूंज दिवा करते जयनी। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हति नाथ या नाथनि पाही हरे विषया बन पावर भूली परे। रजा राम 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 रजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बहु रोग वियोगनि लोग हए भवदंद्रि निरादर के फलए। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 अति दीन मलिन दुखित नहीं जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत
तो सदा तीन के रजा राम 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 रजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 नहीं रोगन रावण मान मदा तिनके सम वैभववा विपदा यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्याग जोग भरोस सदा राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 करी प्रेम निरंतर नेमलिए पड़ पंकज सेवत सुधहिए सममानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महा रणधीर यजे तव नाम जपामी नमामि हरि भवरोग महा गदमानयरि राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 गुणशील कृपा पर मायतनं परमामि निरंतर श्री रमनम रघुनंदनि कंदय द्वंद घनं महिपाल बिलोकय दीन जनं राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 दोहा बार बार मांगो हर कि देहु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग बरनी उमापति राम गुना हरखि गए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास बोल दशिया बर राम चंद्र की जय जय श्री सीता राम जी हरि। मित्रों यह प्रसंग आप सबको कैसा लगा? मैं प्रभु की भक्ति और श्रद्धा से आप सब तक यह प्रसंग पहुंचाने का कोशिश किया हूं। इसमें मैं किसी इंस्ट्रूमेंट किसी साजबाज की प्रयोग नहीं किए हैं। प्रभु की भक्ति के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट कोई साजबाज की ज़रूरत नहीं होती है। प्रभु की भक्ति श्रद्धा और विश्वास से होता है, उनमें लगन लगाने की होती है, उनमें अपनी भावना को भावनाओं को ही देखते हैं। प्रभु हमारे कभी भी किसी व्यक्ति की धन वैभव और उसकी किसी संपत्ति से उनको कोई लालच नहीं होता है, वो भक्तों का भाव ही देखते हैं। जितना भक्त प्रभु के भक्ति में लीन होगा उतना ही प्रभु की कृपा उन पे बरसेगी। आप इस स्तुति को इस छंद को बार बार सुनना। यह स्तुति यह छंद भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए स्तुति गाई गई थी। इस स्तुति को सुनने से जीवन में कल्याण होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, निश्चय ही भोलेनाथ की कृपा आप पे बरसेगी। मित्रों अगर यह प्रसंग अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई भी इस तरह की प्रसंग कोई भी नई जानकारी मैं वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचे। और प्लीज एक लाइक
जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मैं आप सबसे मिलूंगा।